कैसे सब? कैसे सब? पीछे वाले कहाँ गए? कैसे सब? पीछे वाले आगे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। मीडिया वाले ठीक है सब? तो एक बार मीडिया वाले बोलो कैसे सब? सब बढ़िया, सब बढ़िया। थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पर आए और हमारे इस गाने को प्रमोट करने में एक हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा खुशी है, आप सबके फेस में देख सकते हैं। सो हमारे एल्बम का नाम है याद एंड बहुत 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 ज्यादा मेहनत से बनाया ये गाना और बहुत स्पेशल है और 4 बजे हमारा रिलीजिंग है। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। किसकी याद में बना रही हैं? ये तो सिंगर जी बताएंगे उन्होंने किसकी याद में बनाया गाना। रोल आप निभा रही हैं, पब्लिक को याद करने के लिए याद बनाया है और ये सॉन्ग उनके लिए भी, ये जो प्रमोद प्रेमी जी हैं अभी बस 5 या 10 मिनट में वो भी आने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा गाना होने वाला है। और ये 369 म्यूजिक जो कि पहली बार पहले गाने के साथ लॉन्च कर रहे हैं उनको, और एक्चुअली उनको नहीं लॉन्च कर रहे, वो खुद को लॉन्च कर रहे हैं। 369 म्यूजिक पहला चैनल है, नया चैनल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग लेके आए, कुछ अलग दिखाए, क्योंकि प्रमोद जी की जो एक अलग कैटेगरी बनी हुई थी उसको हम थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस गाने के साथ। और ये याद एक सैड सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और बहुत मेहनत से हमने बनाया है और इसको डायरेक्ट किया है हमारे लकी विश्वकर्मा जी, जो भोजपुरी में बहुत सारे हिट गाने दे चुके हैं हमारे साथ और हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का अभिनंदन करें ये और सभी मीडिया को मेरा नमस्कार प्रणाम, जितने भी बड़े भाई हैं सबके गोल चुकी गोल लगाता है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ आए उसके लिए और बहुत खुशी भी हो रही है कि ये सॉन्ग जो पहली बार प्रमोद जी का इस लेवल पे जो बना हुआ है और उसे इस लेवल पे शूट करके हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 369 म्यूजिक से, और वो भी पहली बार यहाँ पटना में लॉन्च हो रही है भोजपुरी सॉन्ग याद। सो थैंक यू सो मच आप लोग का यहाँ पे आने के लिए। और दर्शकों को रुलाएगी या फिर किसी की याद दिलाएगी? सर ये याद टाइटल है तो इसको रुलाना भी है और याद दिलाना भी है, तो याद रखने के लिए मतलब सालों साल याद रहे इसलिए याद बनाया हुआ है। ये दर्शकों को रुलाएगी भी नहीं और ये मैं जानता हूँ कि जितने भी युवा हैं उनके लिए अपनी कहानी बन के उभर के आएगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस है। ये गाना अभी मैं बताऊंगा नहीं, बट सस्पेंसिव गाना है और इसके अंदर ऐसी चीज है कि मतलब जो भी सुनेगा प्रमोद जी की आवाज इस बार, उसको लगेगा कि ये मेरी कहानी बता रहे हैं, ये युवाओं की कहानी है। और मुझे बहुत विश्वास है इस गाने को लेकर के कि ये बहुत अच्छा चलने वाला है मार्केट में और सबको लगेगा कि हाँ कुछ अलग लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा गाना है। सर इस गाने में स्टोरी लेकर आए हैं और प्रमोद जी के साथ है पहला आपका गाना है, जिस तरह से भोजपुरी में बहुत सारी कंपनी है, तो आपने सर क्या सोचा? पहला गाना भोजपुरी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आपने क्या सोचा था कि भोजपुरी में हम लाएंगे इस तरह से और बिल्कुल ही यहाँ के लोगों को पसंद आ जाएगा? हाँ ऐसा है कि हम तो वैसे डिजिटल से ही है और आप लोग जैसे आज मिले हैं मीडिया वाले, वैसे मैं भी बहुत पहले ये सब कर चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा लाइन चेंज हुआ। बट म्यूजिक कंपनी लाने का मेन मकसद यही है कि कुछ थोड़ा अलग करे उनके लिए भी जो कभी सोच नहीं रहे थे, और आगे भी हमारे जो प्रमोद जी के गाने अभी बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 गाने शूट किए थे, तो बहुत जल्द गाने वो भी आएंगे और वो भी इसी लेवल के हैं, उसमें कहीं भी उनको वो पुराना रूप नहीं दिखने को मिलेगा जहाँ कि ऐसा लगे कि हाँ ये प्रमोद जी वही है जो पहले गाना गाते थे, तो वो पूरा चेंज है। इसके बाद भी जो गाना आएगा वो भी पूरा चेंज है और वो भी पहला गाना ऐसा होगा जो कि उन्होंने कभी नहीं गाया वैसा गाना। और ऐसा हमसे भी बड़े लोग बहुत हैं जो चेंज ला रहे हैं और कर भी रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी बिहार का ही हूँ, रहता मुंबई हूँ और सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो भोजपुरी मतलब बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है और हम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सहयोग इसमें जो देता है वो है मीडिया वाले, और मीडिया वालों के लिए तो मैं इतना कहूंगा कि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, 2011 से लेकर के 2015 तक हमने यही काम किया था और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का मेहनत ही रंग लाता है, हम तो सिर्फ सबसे पहले डायरेक्टर की बात करूंगी। सो जो डायरेक्टर है इसमें जिन्होंने कोरियोग्राफी किया डायरेक्ट किया है लकी, एंड पहला गाना जो मेरा भोजपुरी का था वो मैंने लकी के साथ ही किया था
और फिर से सैड सॉन्ग जो इतना बड़ा होने वाला है वो भी लकी ने किया है. सो बहुत मजा आया काम करके. ऑलरेडी लकी के साथ काम कर चुकी हूँ. एंड सेकेंडली प्रमोद जी के साथ पहला गाना है. उससे पहले भी बहुत ऑफर्स आए थे मूवी के गाने के, बट ये गाना होना था और इतने बड़े लेवल पे होना था, शायद तब नहीं हो पाया, तो आज हो गया. और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. सीरियसली उनकी आवाज बहुत अच्छी है. थैंक यू. मैं कहना चाहूंगा कि वो जो माइक लेकर के या मोबाइल लेकर के वीडियो बनाते हैं सर, वो भी उतना ही मेहनत करता है जितना सिंगर अपने खेतों में काम करके करता है. और दोनों का अपना अपना लाइन है और दोनों ही मेहनत करते हैं और दोनों की ही उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस भोजपुरी अश्लीलता से और भोजपुरी की अच्छाइयों से. तो मैं यही कहूंगा कि किसी की मेहनत को हम ना ही कम बता सकते हैं और ना ही ज्यादा बता सकते हैं. हालांकि हर एक इंसान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उतना ही लेवल का मेहनत करता है और उसकी हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो. बस रहते कि हम खुद अपनी आत्मा से पूछ के वो काम करें कि हम गलत कर रहे हैं कि सही, क्योंकि दूसरा गलत और सही डिसाइड करेगा बाद में, पहले खुद की आत्मा और खुद की विचारधारा सही होनी चाहिए. वो ही बहुत बड़ी बात है. बाकी मेहनत में तो मैं यही बोलूंगा कि दोनों की मेहनत बहुत काबिले तारीफ है. आज अगर स्टार बोलता है कि मीडिया खराब कर दिया, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि स्टार को भी उसी मीडिया ने हाईलाइट भी किया है और उसी मीडिया ने आगे भी बढ़ाया है. आज जो बोलते हैं कि पब्लिक मेरी है, तो पब्लिक के पासों तक पहुंचाने के लिए भी मीडिया का लाइन यूज किया जाता है और वो मीडिया को हम गलत भी नहीं बोल सकते. हाँ, कुछ कुछ होता है जो पर्सनल चीजें होती है, जो पर्सनल लेवल पे लोग करने लगते हैं, वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मीडिया का एक अलग कैटेगरी है, एक अलग रुतबा है और एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि वो सिर्फ स्टारों की नहीं, वो हर लेवल का न्यूज देता है और हम घर बैठे वो सारी चीजें देख पाते हैं. ये बहुत बड़ी चीज है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत धन्यवाद.